अभी हम लोग जा रहा है डिमू नदी की ओर, देख सकते हैं आप लोग। और यहाँ से पार होने के साथ साथ आपका अरुणाचल पहुंच गया अभी फाइनली हम लोग, और आगे जाके आप लोग को दिखाएंगे डिमू का जो नज़ारा और डिमू नदी का जो नज़ारा। और आज पहली बार मैं जा रहा हूँ और इतना आइडिया नहीं है यहाँ पे कैसा है, तो देखते हैं जाके आगे। और आप लोग भी लास्ट तक बने रहिए ताकि आप लोग को भी मैं यहाँ का नज़ारा दिखाने के लिए कोशिश करूँगा बढ़िया से। और अभी हम लोग जा रहे हैं विकास और हम दोनों, देख सकते हैं यहाँ पे ड्राइविंग करना विकास भाई, और लगता है काफ़ी ब्यूटीफुल प्लेस है क्योंकि यहाँ पे जो फाइनली हम लोग अदावती पहुँच गया, और यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा है हम लोग को पहुँच के देख के। और एग्जैक्ट लोकेशन पे अभी हम लोग नहीं पहुँचा है, तो एग्जैक्ट लोकेशन पे जाके आप लोग को वहाँ का जो नज़ारा दिखाने के लिए मैं कोशिश करूँगा। Serious? रहने का घर सर भी था, किधर गया होगा कौन सा रुका। तो फाइनली हम लोग पहुंच गया, अभी यहाँ पे हम लोग गाड़ी पार्किंग कर रहे हैं, तक गाड़ी यहाँ पे रख दिया, और अभी हम लोग आगे की ओर जाएंगे। और अभी हम लोग यहाँ पे कई एक जगह पे बैठ जाएंगे और बैठ के थोड़ा रेस्ट करके फिर हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे और तो यहाँ का जो नज़ारा दिखाएंगे। हवा में जा रहे हैं हम लोग, हवा में थोड़ा बैठ के थोड़ा आराम करेंगे, उसके बाद हम फिर ऊपर जा रहे हैं में नज़ारा दिखाने के लिए। अभी हम लोग इधर बैठेंगे, देख सकते हैं आप लोग, इसको बोलते हैं हम लोग का जो भाषा में तुलसी घर, देखिए आप लोग ये है आपका तुलसी घर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल रुद्रायमपुर ब्लॉग्स। सो अभी मैं हूँ फिलहाल ये डिमू नदी का जो पिकनिक प्लेस में, और देख सकते अभी मेरा दोस्त विकास बैठ रहा है, और दोनों आज यहाँ पे थोड़ा घूमने के लिए आया है, और देख सकते आप लोग अभी हम लोग एक तुलसी घर में बैठ रहे हैं, ये है तुलसी घर मोहब्बत का घर है, और नीचे में देख सकते हैं जो चंग लगा हुआ है, और पूरा का पूरा यहाँ पे तुलसी घर है, तुलसी घर है, आपको कितना देखने मिलेगा तुलसी घर, इधर में भी देख सकते हैं आप लोग, ये भी तुलसी घर है, ये जो और उधर में भी तुलसी घर है, ओ उधर में भी तुलसी घर है, और आगे भी बहुत सारा तुलसी घर है, और आपका एकदम ये सामने हम लोग का जो पीछे में ये है आपका डिमू नदी, इधर में दिखा दो डिमू नदी, ये साइड में है, बहुत बड़ा नदी है लेकिन ये लेकिन बहुत दूर दूर से आदमी लोग इधर आता है एंजॉय करने के लिए, पार्टी मनाने के लिए, बर्थडे ये करने के लिए इधर आता है, ऑल आसाम एमएलए एमपी सब इधर आता है पार्टी बनाने के लिए, आने के लिए पिकनिक। और बहुत अच्छा जगह है, सुंदर है, अच्छा लगा है हमको, क्लाइमेट के लिए भी अच्छा ही है, सब चीज मिलता ही है इधर, हर चीज मिलता है। और आप देख सकते हैं वो ऊपर साइड में आपका हैंगिंग ब्रिज है, लेकिन यहाँ से अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा है, वो ऊपर साइड में हैंगिंग ब्रिज है, और उस हैंगिंग ब्रिज को भी साइड में दिखाने के लिए कोशिश करूंगा। एक मिनट, अब एक तो बात बोलना चाह रहा हूँ, अभी जो एमपी एमएलए तो आ चुका है ये जगह में, और ये सीएम सर भी आने वाला बात कर रहे हैं इसके लिए ये जगह में, अभी जो ये जनवरी में आने वाला बात तो हम को बोल रहे हैं उसके लिए हम ये जगह में ना बहुत सुंदर लगा है, बहुत अच्छा लगा है, ये जगह के लिए हम दो तीन बार आ चुका है उसके लिए इतना बोल के मेरा जो भाई है वो बोलने वाला बात है। आप लोग भी आ सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि अभी तो विंटर सीजन घुस गया, समर सीजन में यहाँ पे काफी पिकनिक प्लेस होता है और पिकनिक खाने के लिए लोग आता है, और जैसे कि जनवरी फरवरी ये दिसंबर का भी ये पिकनिक प्लेस यहाँ पे चालू हो जाएगा। और ऊपर साइड से गाड़ी आ रहा है,
गाड़ी लोग आ रहा है फोर साइड से, लोग भी काफी दूर दूर से आते हैं पिकनिक खाने के लिए, और उन लोग आके वो ये साइड में आपका पूरा अंदर साइड चला जाते हैं पिकनिक खाने, बहुत अंदर तक जाने के लिए जगह है, लेकिन हम लोग वहाँ पे नहीं जाऊँगा क्योंकि हम लोग का अभी हम लोग का टाइम थोड़ा शॉर्ट है ना, और वहाँ पे बाइक लेके जाने के लिए थोड़ा प्रॉब्लम है, तो फोर व्हीलर होने से अच्छा है। देखते हैं यहाँ पे बैठ बैठ के आप लोग को मैं दिखा रहा हूँ थोड़ा जूम करके, ये जो है आपका प्रेशर प्लान यहाँ पे है, और ओ जो ऊपर साइड में आपका पूरा का पूरा पहाड़ है ये जो, और इधर में आपका कुआरी है ये जो, इधर में कुआरी है, दोस्तों फाइनली हम लोग का देखना हो गया और अभी हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं, और आप लोग भी लास्ट तक बने रहिए ताकि जो जाने का जो थोड़ा नजारा मैं आप लोग को दिखाऊंगा। और ये है आपका अरुणाचल प्रदेश, ये थोड़ा आगे जाने के बाद आपका असम मिलेगा, क्योंकि ये जो बॉर्डर प्लेस है आपका। Thank you.